स्टॉप योर फियर बाय टेकिंग एक्शन। डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक कमेंट में पढ़ रहा था जिसमें एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूं सर, ये काफी मुश्किल है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हाँ मुश्किल है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप एक फाइटर हैं और जो फाइटर होता है वो मुश्किल चीजें ही करता है और उन मुश्किल चीजों को ही आसान बनाता है। मुझे पता है कि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो क्या हुआ, एक वक्त था जब मुझे साइकिल चलाने भी नहीं आती थी, वो मेरे लिए मुश्किल थी। क्या मैंने नहीं किया, मैंने उस मुश्किल चीज को आसान बनाया। एक वक्त होगा जब आपको चलना नहीं आता था, क्या वो मुश्किल नहीं था? हाँ वो मुश्किल था, लेकिन आपने उस मुश्किल चीज को आसान बनाया। तो कोई भी चीज एक टाइम के लिए ही मुश्किल होती है, लेकिन जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस मुश्किल चीज को भी आसान बना देते हैं। आप लोगों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि स्टॉप योर फियर बाय टेकिंग एक्शन। क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को एक्शन लेना है। हमें डरना नहीं है, हमें अपने डर को हराना है। अगर मुझे साइकिल चलाना सीखनी है तो फिर मुझे साइकिल राइड करनी ही पड़ेगी। इफ आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश देन आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज, हम क्यों सीखे, ये हमारी मातृभाषा नहीं है। मैंने कब कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है? हाँ वो हमारी मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आप कहीं भी चले जाए, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहां पर आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है। आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे और अगर आप अपने देश के बारे में बताएंगे तो वहां आप उनको हिंदी में तो नहीं बता पाएंगे ना, वहां आपको अपने देश की गौरव गाथा को इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा। तो इसलिए इंग्लिश सीखना भी जरूरी है, इसको आप एज अ वेपन लीजिए। आपको सारे हथियार चलाना आना चाहिए, इंग्लिश भी एक हथियार है जिसका आप यूज करेंगे जंग में। वो जंग आपके इंटरव्यू हो सकता है, वो जंग किसी को इंप्रेस करना हो सकता है, वो जंग कुछ भी हो सकती है, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि हर एक चीज पहले मुश्किल होती है और फिर उसी मुश्किल चीज को हम आसान बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।